Hey my friends, welcome back to my channel. Today I am going to share with you a special paneer pav bhaji recipe जिसको हम बिना किसी सब्जी के बनाएंगे. मीन्स इसमें ना हम आलू डालेंगे और ना ही शिमला मिर्च. सो मैंने दो बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, उसे अच्छे से गर्म किया है. उसमें हम मैंने एक बड़ा अनियन ऐड किया है और एक बड़ा टमाटर ऐड किया है फाइनली चॉप करके. इसे हम अच्छे से कुक करेंगे. देन हम इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, दो हरी मिर्च और हमारे मसाले ऐड करेंगे, पाव भाजी मसाला एंड टर्मरिक पाउडर. और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चिली पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से. अभी मैंने पनीर को अच्छे से फाइनली घिस के लिया है. आप चाहो तो पीसेस भी ऐड कर सकते हो और हम इसमें पनीर ऐड करेंगे. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ. और अगर आप मेरी हर रेसिपी देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सको मेरी हर रेसिपी के लिए. अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और हम इसमें हमारे कोरिएंडर की लीव्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. हमें इसे बस 5 मिनट्स के लिए कुक करना है अभी, क्योंकि टमाटर एंड अनियन ऑलरेडी कुक हो चुके हैं. अब बस हम पनीर को 5 मिनट्स में कुक करेंगे एंड देन हम इसे सर्व करेंगे. आप चाहो तो इसमें आलू, शिमला मिर्च या कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है. पर ये स्पेशल पनीर पाव भाजी बनाई है मैंने, इसलिए मैंने सिर्फ पनीर का यूज़ किया है. बट आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हो और ये बहुत झटपट इजी बन जाती है. और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं किए, ना ही हमें कोई सब्ज़ी बॉइल करनी है, ना इसमें ऐड करना है, ना ही उसको फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना, ऐसा कुछ नहीं है. बस मैंने पनीर को ग्रेट किया था, टमाटर एंड उसमें हमने ऐड किया हमारा अनियन एंड कुछ मसाले. तो चलिए हमारी पाव भाजी बनके रेडी है. अब हम इसमें सिर्फ 2 मिनट्स के लिए इसे कुक करेंगे. मैंने कोरिएंडर इसमें ऐड किया है यानी हरा धनिया, और अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. देन हम इसमें हमारा लेमन जूस ऐड करेंगे लगभग हाफ चम्मच के हिसाब में, छोटा हाफ चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. अभी हम इसे सर्व करेंगे, बट उसके पहले हम पाव को अच्छे से सेक लेंगे और देन हम हमारी पाव भाजी को सर्व करेंगे. तो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. तो हमारी पाव भाजी बनके रेडी है, अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है. अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए आप. तो अभी मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने बहुत सारा बटर ऐड किया है. इसमें हम थोड़े कोरिएंडर्स की लीव्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. देन हम इसमें हमारे पाव के पीसेस ऐड करेंगे. मीन्स जो पाव है मैंने उसको बीच में से अच्छे से कट किया बिल्कुल इस तरह से, और अब हम इसे अल्टी पल्टी करके इसमें अच्छे से सेक लेंगे हमारे सभी पाव को. आप चाहो तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो या देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो. तो देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छे से हो चुके हैं. अब हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे और देन हम इसे सर्व करेंगे. आप चाहो तो नान के साथ भी इस सब्ज़ी को खा सकते हो या रोटी के साथ भी खा सकते हो. तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी. तो दिस इज़ अ फाइनल लुक. तो मैंने इसे पाव के साथ हरी मिर्च और हमारे अनियन के साथ इसे सर्व किया है और लेमन. अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो जाए एंड मुझे सपोर्ट मिले. और अगर आप कुछ नई रेसिपीज़ के लिए मुझे रिकमेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी. थैंक्स.